Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope all of you are fine. Yesterday we have done the first part of the sentence structure. Today we are going to proceed. Today we will learn the subject and the predicate. What is subject and what is predicate? So, देखते हैं क्या है subject और predicate. Subject के बारे में हम कल ही सीख चुके हैं कि subject वह होता है जिसके बारे में sentence कहा जाता है या जो एक्शन को करता है. तो पहला पोर्शन हम लिखे यहाँ पर, पहला एक सेंटेंस लिखे हैं रिंकू इज प्लेइंग इन द पार्क. तो बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है या कौन एक्शन को कर रहा है? तो जवाब होगा कौन एक्शन को कर रहा है, रितु. रितु एक्शन को कर रही है, रिंकू ही इसमें एक्शन करने वाली है. कैसे एक्शन कर रही है? प्ले खेलने का एक्शन कर रही है. तो रिंकू हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. अब सब्जेक्ट के बाद जितनी भी सारे पार्ट बचेंगे सेंटेंस में वो सारे इसके अंदर में लगेंगे, सारे प्रेडिकेट. हमने वर्ब को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, सब वर्ब ऑब्जेक्ट सब किसके अंदर आ जाएंगे? प्रेडिकेट के अंदर आ जाएंगे. तो ये याद रखिएगा. तो सब्जेक्ट के बाद जितने ही पार्ट ऑफ सेंटेंस बचते हैं सब किस में आ जाते हैं? सब प्रेडिकेट में आ जाते हैं. तो आपको केवल सब्जेक्ट पता करना होगा कि सब्जेक्ट कहाँ है. दूसरा सेंटेंस देखें, मैरीज मदर टोल्ड हर टू गाइड द रोड. इस सेंटेंस में बताओ सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन एक्शन करने वाला है. इसमें अगर हम देखेंगे इसमें बात हो रही है मैरीज मदर, मैंने मैरी की माँ पोजिशन को दिखाता है, यानी माँ मदर किसकी है? मैरी. मैरीज मदर, मैरीज मदर की बात हो रही है. क्या बात हो रही है? वो बता रहे हैं, ओल्ड बता रहे हैं, कौन सा एक्शन कर रही है? बताने का काम कर रही है. क्या बताने का? हर टू टायर्ड हर रूम, कि अपने रूम की क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं. तो मैरीज मदर क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. और जो बाप की बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. बताइए कितने सेंटेंस मिलता है. और एक बात याद रखिए कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है. दो भी हो सकते हैं, तीन, जैसे कितने वर्ड होते हैं? दो वर्ड होते हैं. तो एक से ज्यादा वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है. तो एक बात याद रखिए, केवल ये पता करिए किन के बारे में सेंटेंस कहा जाता है. तो अगर तीसरे सेंटेंस में देखें, माई अंकल एंड आंट आर विजिटिंग अस सून. मेरे अंकल और आंट बहुत जल्दी हमारे पास आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं. तो बताइए इसके बारे में बात करें. तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंकल और आंट के बारे में बात हो रही है. माई अंकल एंड आंट, ये पूरा क्या हमारा हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. और ये जो बाकी बच रहे हैं हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ, पीपल इन पावर शुडंट फॉरगेट द मास्टर. बताओ इसमें क्या होगा? पीपल इन पावर शुडंट फॉरगेट द मास्टर, यानी जो लोग पावर में, जो लोग सरकार में, जो लोग शक्ति में, उन्हें मास्टर का मतलब किसे कहा गया? पब्लिक को बोला गया है कि पब्लिक को भूलना नहीं चाहिए, यानी पब्लिक की जो जरूरत है, जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, उन सब चीजों को मुहैया कराना चाहिए, उन तक पहुँचाना चाहिए, या उन्हें जो जरूरत है उन्हें सरकार का दायित्व है, सरकार का काम है उन तक पहुँचाए, वो सारी चीज़ें पब्लिक करें. तो बताइए इसके बारे में बताइए. तो अगर हम देखेंगे कितने बात हो रही है, पीपल इन पावर, जो पावर में है जिनकी सरकार है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पीपल इन, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया. पीपल इन पावर शुडंट फॉरगेट द मास्टर, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा, सॉरी, प्रेडिकेट. इसमें पता चल, ये हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि इसमें जो हमारा प्रेडिकेट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आधा एक तरफ होता है, आधा एक तरफ होता है. कैसे? जैसे व्हाई डिड योर फ्रेंड लीव द पार्टी अर्ली, किसके बारे में बात हो रही है? अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये होगा, तुम्हारे दोस्तों ने इतनी जल्दी पार्टी को क्यों छोड़ दिया, यानी तुम्हारे दोस्तों ने इतनी
जल्दी पार्टी से क्यों चले गए? क्यों लीव कर दिया? इसमें किसकी बात हो रही है? गाय की बात है, तुम्हारे दोस्तों की बात हो रही है। तो यूर फ्रेंड्स की बात है, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट हो जाएगा। हम जानते हैं इसके अलावा जो भी बचा हो सब हमारा क्या चल जाएगा, तो ये हमारा वो सब्जेक्ट हो प्रेडिकेट। हम थोड़ा एक्सरसाइज पर आते हैं। पेज नंबर 10 खोलिए। पेज नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर सी एक का होमवर्क दिया गया था, उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। बहुत जल्दी आपको इसमें नोट मिल जाएगी और आप उसको उस आंसर को चेक कर लीजिएगा। बी है कंप्लीट द पैसेज। पैसेज को कंप्लीट करना है बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह है उन्हें फिल करना है सूटेबल वर्ड्स। जैसे पहला इट इज ए हॉलीडे, आज हॉलीडे है, इट इज ए हॉलीडे तो छुट्टी का दिन है। एंड जॉन फैमिली आर एट होम, और जॉन की फैमिली कहाँ पर? होम पर है। मिसेस जॉन इज बिजी इन द किचन, यानी जॉन की जो मिसेस है वो कहाँ पर बिजी है? कहाँ पर? किचन में बिजी है, यानी कुछ बना रही होंगी। सी इज बेकिंग हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए बेक कर रही है, बना रही है। ए डैश क्या बना रही है? बेक क्या किया जाता है? बेक किया जाता है केक। तो क्या हो जाएगा? बेकिंग हर फैमिली का क्या हो जाएगा? और क्या चुप पालूंगा केक। सी ए केक का इस्तेमाल होगा। दूसरा सेंटेंस पढ़े, ग्रांडमा इज विद बेबी, ग्रांडमा बेबी के साथ है, यानी बेबी के पास है। सी स्टेलिंग, वह बता रही है स्टोरी, वह एक स्टोरी बता रही है। सी इज टेलिंग अ स्टोरी। देखो इसमें जो है हम ऑब्जेक्ट बताए थे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ये स्टोरी है, जो खाली जगह बची वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये समझ लीजिए किसी इंसानी के बारे में। सी इज टेलिंग, ग्रांडमा जब बेबी के पास बैठी हुई है तो किसी स्टोरी बता रही है। डायरेक्ट बात बेबी को बता रही होगी, कि बेबी के लिए हम प्रोग्राम कौन से इस्तेमाल करेंगे, ही या हर भी इस्तेमाल करते हैं। लड़का होगा तो ही इस्तेमाल होगा, लड़की होगी तो हर, एच की या हर। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? सी इज टेलिंग ही अ स्टोरी। आई बात इसी तरीके से आप बात बताएंगे और उसके बाद आंसर्स आपको मिल जाएंगे, इसके सॉल्यूशन, और आप चेक कर कर बताएंगे, चेक कर कर जो भी गलती होगी उसे सही कर लीजिए। चलिए आज खत्म करते हैं, हमारा चैप्टर टू पूरा खत्म हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए।